दादा कहाँ जाओगे? बस स्टैंड जाओगे? अच्छा पैरों से दिक्कत है, क्या बात है, पैरों से दिक्कत है? भाई एक काम करो, ना छोड़ दो, मैं पैसे दे दूंगा। आप समझ नहीं रहे, और पुलिस वाला कोई पता नहीं चढ़ना नहीं, ये सब वाले आते हैं, बस स्टैंड पैसों की बात नहीं है ना, मेरी मजबूर है। रुको, ऐसा उधर ट्री नहीं जाएगी, टेम्पू जाएगा, टेम्पू। रुको अभी कराता हूँ मैं, ऑटो कराता हूँ, करा रहा हूँ। अरे भैया जगह है, इनको बैठाना था। अभी कराता हूँ दादा, रुको एक मिनट। तुम अगर आसपास जा रहे होते तो मैं बाइक से छोड़ देता तुमको, आसपास अगर जाते तो बाइक से छोड़ देता तुमको, जाना बस स्टैंड। मेरे साथ कोई है नहीं, वरना मैं छोड़ देता। अभी कोई ऑटो आएगा उसमें मैं बिठा देता हूँ तुम्हें, ठीक है? तो कहाँ से आ रहे हो? हैं, बम्बे से? हरदोगंज? अच्छा अच्छा, चलो अभी एक ऑटो आता है, मैं बैठाता हूँ तुमको। अब ऑटो देख रहा हूँ, एक भी ऑटो नहीं मिलता। मैंने कहा बैठा दूँ, ये रख रहे थे यार पैदल पैदल, अब इनके पैरों में दिक्कत है। अरे बड़े बूढ़े हेल्प कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। एक आदमी और था, मैं तो गाड़ी को पकड़ लिया। कौन है तुम्हारे जानकारी के? अच्छा, मदद के लिए। भाई ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं भैया, करनी चाहिए यार मदद, ऐसी बात नहीं है। करा दो भैया मदद, करा दो। आओ दादा, खड़े हो जाओगे? नहीं जाना, मगर इन दादन ने ले रहा हूँ यार, पैसा दे देंगे हम, पैसे की कोई दिक्कत ना। परेशान है आदमी, मत मिले यार, एक ही तो सवारी जावेगी मेरे। यार आप सभी से यही कहना है कि देखो यार, बड़े बूढ़े हैं, इनसे चला नहीं जा रहा, करीब आधा घंटा मुझको हो चुका है, और ये भाई भी है मेरे साथ, पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं इन दादा की, लेकिन जितने भी ऑटो वाले हैं कुछ पैसों के लिए इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि हम इन ऑटो वाले को किराया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी ऑटो वाला या ट्री वाला इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। यार थोड़ी बहुत तो इंसानियत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर? ओके भाई, बाकी पूछते हैं। दादा जा रहे हो, वहाँ जाओगे, बस स्टैंड जा रहे हो? गाइस यार कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, बाकी हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग जो है दादा की मदद कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इनको, मैंने अभी इलेक्ट्रिक बस भी रुकवाई थी गवर्नमेंट की, वो भी नहीं रुकी है यहाँ पर, कि यार इनकी मदद करते हैं, जितना हमसे हो पा रहा हम उतना कर रहे हैं। फिर भी ऑटो हम सबसे पूछ रहे हैं, मैं और ये भाई जो हैं यहाँ पर हैं। ओके, बाकी अभी देखते हैं एक दो ट्री में और बैठाते हैं, इनकी मदद करेंगे। और सभी भाइयों से ये कहना है कि ऐसे इंसान को यदि आप देखें जो बुज़ुर्ग हों, जो हाथ पैरों से अपाहिज हों या फिर चल ना पाए, आप लोग सबसे पहले अपने काम को छोड़कर उनकी मदद कीजिए। एक जन है भाई, इनका भाई, यार तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं यार, हकीकत बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पे आधा घंटा हो गया, मैं मुझको और इन भैया को मदद मांगते मांगते एक भी ऑटो नहीं रुका। हाँ भैया ऐसा मत करो, हम तो यार चाह रहे हैं ऐसे लोगों की मदद हो यार, वो मजबूर हैं। तो गाइस यार फाइनली जो दादा थे, हमने जो उनकी यहाँ पर मदद कर दी, और ये भैया बेचारे लोग गए, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, अपना फ़ायदा ना देखकर उन्होंने मदद की। ओके, तो यार सभी से मेरा यही कहना है कि ऐसे लोग अगर मिले तो उनकी मदद ज़रूर करें। ओके गाइस, सर तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। एक चीज़ और बता दूँ, जो भाई मेरे साथ थे, जो मदद कर रहे थे मेरे साथ, देखो ये जूता चप्पल का काम करते हैं, और उन्होंने अपना काम रोककर
और हम दादा की मदद करने में लगा दिए आधा घंटे में इनका नुकसान हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की दुआ जरूर लगेगी। ऐसे लोगों की मदद हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए भैया? बिल्कुल करनी चाहिए, समझो कहने का मतलब ये सभी दुआ दो। तो यार सभी से यही कहना है कि ऐसे लोगों की मदद करें, बिल्कुल भी ना शर्माए ना घिन करें। ओके यार, इन लोगों की दुआ मिलेंगी बड़े बूढ़े की। ओके बाय बाय, जय हिंद।